तो दोस्तों आइए फटाफट शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है कि सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? जी हाँ, सर्वग्राही रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है जो सबों का ब्लड ले सकता है, वो कौन सा ग्रुप है? तो वो है आपका ए बी। अगला प्रश्न है आपका कि मस्तिष्क का भार कितना होता है? जी हाँ, मस्तिष्क का भार कितना होता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका उत्तर है 1220 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच। जी हाँ, मस्तिष्क का भार होता है 1220 ग्राम से 1400 ग्राम के बीच। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? जी हाँ, सबसे बड़ी तंत्रिका कौन सी होती है? और इसका उत्तर है आपका ट्राइजीमिनल। इसका उत्तर है आपका ट्राइजीमिनल। अगला प्रश्न है कि सर्वदाता रुधिर वर्ग किसे कहा जाता है? जी हाँ, यूनिवर्सल डोनर किसे कहा जाता है? किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? इसका उत्तर है आपका ओ ग्रुप। जी हाँ, ओ ग्रुप को कहा जाता है यूनिवर्सल डोनर। अगला प्रश्न है कि सामान्य ताप जो है शरीर का कितना होता है? जी हाँ, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो ये फॉरेनहाइट में होता है 98.4 फॉरेनहाइट और 37 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? सबसे लंबी पेशी कौन सी होती है? इसका उत्तर है आपका सार्टोरियस। जी हाँ, सार्टोरियस सबसे लंबी पेशी होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? जी हाँ, सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका पैरोटिड ग्रंथि। जी हाँ, ये सभी प्रश्न आपको मानव शरीर से संबंधित है जो कि परीक्षाओं के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो इसका उत्तर है आपका यकृत लीवर। जी हाँ, सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत लीवर। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी WBC कौन सी है? जी हाँ, व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी है? सबसे बड़ी व्हाइट ब्लड सेल्स की कण कौन सी है? तो वो है आपका मोनोसाइट। अगला प्रश्न है आपका कि वृक्क का भार, जी हाँ, किडनी का भार कितना होता है? किडनी का भार कितना होता है? इसका उत्तर है आपको 150 ग्राम लगभग। जी हाँ, किडनी का भार होता है 150 ग्राम लगभग। अगला प्रश्न है कि सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? जी हाँ, सबसे लंबी अस्थि कौन सी होती है? और इसका उत्तर है आपका फीमर, जांग की हड्डी। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा कठोर भाग कौन सा होता है? जी हाँ, सबसे बड़ा कठोर भाग कौन सा होता है? तो इसका उत्तर है आपका दांत का इनामिल। अगला प्रश्न है कि कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? कशेरुकाओं की कुल संख्या कितनी होती है? और इसका उत्तर है आपका 33। अगला प्रश्न है आपका कि बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, बड़ी आंत की लंबाई कितनी होती है? और इसका उत्तर है आपका 1.5 यानी कि 1.5 मीटर। अगला प्रश्न है कि क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितने होते हैं? क्रेनियल तंत्रिकाओं की संख्या कितने होते हैं? और इसका उत्तर है आपका 12 जोड़े। अगला प्रश्न है कि सामान्य नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र में कितनी होती है? सामान्य नब्ज गति 1 वर्ष की उम्र में कितनी होती है? तो इसका उत्तर है आपका 120 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है कि सामान्य नब्ज गति जन्म के समय कितना होता है? जी हाँ, याद रखें कि जन्म के समय नब्ज गति ज्यादा रहता है पल्स रेट, और धीरे धीरे कमते जाता है। तो जन्म के समय नब्ज गति 140 बार प्रति मिनट रहती है। अगला प्रश्न है आपका कि छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? तो यह होती है 6.25 मीटर। जैसा कि बड़ी आंत के बारे में पढ़े कि बड़ी आंत की लंबाई 1.5 मीटर होती है और छोटी आंत की लंबाई 6.25 मीटर होती है। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? जी हाँ, सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है? इसका उत्तर है तंत्रिका कोशिका। अगला प्रश्न है कि मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? जी हाँ, मेरुदंड की लंबाई कितनी होती है? इसका उत्तर है आपका 42 से 45 सेंटीमीटर।
अगला प्रश्न है आपका कि शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग कितना होता है। शरीर में रुधिर की मात्रा लगभग कितना होता है। इसका उत्तर है आपका 5.5, 5.5 लीटर के आसपास। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे पतली एवं छोटी तंत्रिका कौन सी होती है, और इसका उत्तर है आपका ट्रोक्लियर। अगला प्रश्न है आपका कि गर्भावस्था की अवधि कितना होता है। जी हाँ, गर्भावस्था की अवधि कितना होता है, तो इसका उत्तर है आपका 266 से 270 दिन। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ा सिरा कौन सा होता है। जी हाँ, सबसे बड़ा सिरा कौन सा होता है, तो इसका उत्तर है आपका इंफीरियर वेना केवा। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका उत्तर है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी अंतःग्रंथि स्रावी ग्रंथि कौन सी होती है, तो इसका उत्तर है आपका पिट्यूटरी ग्रंथि। अगला प्रश्न है आपका कि सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है। जी हाँ, सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, और इसका उत्तर है आपका सिएटिक। सबसे लंबी तंत्रिका कौन सी है, और इसका उत्तर है आपका सिएटिक। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा महिलाओं में कितनी होती है। जी हाँ, हीमोग्लोबिन की मात्रा महिलाओं में अलग और पुरुषों में अलग होती है, तो महिलाओं में औसत मात्रा कितनी होती है, तो यह है आपका 11.5 से 14 के आसपास। अगला प्रश्न है कि हृदय गति कितना होता है। जी हाँ, यहाँ ध्यान रखेंगे कि जो भी प्रश्न है सभी मानव हृदय मानव शरीर से संबंधित हैं, तो यहाँ जो भी प्रश्न बने हैं वो सभी मानव शरीर से संबंधित है। तो मानव हृदय की गति कितनी होती है, तो इसका उत्तर है आपका 72 बार प्रति मिनट। अगला प्रश्न है आपका कि अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है। अस्थियों की कुल संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर है आपका 206। जी हाँ, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या 206 होती है। अगला प्रश्न है आपका कि आरबीसी का जीवन काल कितना होता है। रेड ब्लड सेल्स का जीवन काल कितना होता है, और इसका उत्तर है आपका 120 दिन। अगला प्रश्न है आपका कि मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है। मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है, और इसका उत्तर है आपका 639। जी हाँ, मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। अगला सवाल है कि सबसे छोटी WBC कौन सी है। जी हाँ, सबसे छोटी WBC व्हाइट ब्लड सेल्स कौन सी है, तो इसका उत्तर है आपका लिम्फोसाइट। WBC की सबसे छोटी कण होती है लिम्फोसाइट्स। अगला प्रश्न है कि स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है। स्पाइनल तंत्रिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो इसका उत्तर है आपका 31 जोड़े। अगला प्रश्न है आपका कि रुधिर का थक्का बनने का समय कितना होता है। रुधिर का थक्का, ब्लड का थक्का क्लॉटिंग होने का समय कितना होता है सामान्यतः, तो यह होता है 3 से 6 मिनट। 3 से 6 मिनट में ब्लड क्लॉटिंग हो जाता है। अगला प्रश्न है कि सबसे छोटी अस्थि कौन सी है। जी हाँ, सबसे बड़ी अस्थि जांघ की हड्डी फीमर थी, और सबसे छोटी अस्थि कौन सी है, तो सबसे छोटी अस्थि एस्टेपीज है, जो कि कान में मौजूद है। अगला प्रश्न है कि लड़कियों में यौवना आरंभ कब से आरंभ होता है, तो इसका उत्तर है 13 वर्ष की आयु से। अगला प्रश्न है यकृत लीवर का भार महिलाओं में कितना होता है। यकृत का भार महिलाओं में कितना होता है, तो इसका उत्तर है आपका 1.2 से 1.4 किलोग्राम, मतलब 1200 से 1400 ग्राम के आसपास। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन की औसत मात्रा पुरुषों में कितना होता है, तो इसका उत्तर है आपका 13 से 16 ग्राम। 13 से 16 ग्राम, मतलब महिलाओं से कुछ ज्यादा। अगला प्रश्न है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका उत्तर है आपका थायराइड ग्रंथि। सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है, तो इसका उत्तर है आपका थायराइड ग्रंथि। अगला प्रश्न है कि
डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? जी हाँ, डब्ल्यूबीसी का जीवन काल कितना होता है? इसका उत्तर है आपका 2 से 5 दिन। 2 से 5 दिन। तो दोस्तों, कैसा लगा यह टॉपिक? यदि अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नए टॉपिक के साथ उपस्थित होऊंगा। जय हिंद, जय भारत।